नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश एग्री कम्युनिटीज त्योहार तेजी और मंदी में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और हमारी कोशिश है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए तेल तिलहन, दालें, चीनी और ड्राई फ्रूट्स के बाजार में क्या तेजी की संभावनाएं हैं, खाद्य तेलों में, ड्राई फ्रूट्स में, स्नैक्स में, चीनी में क्या दिवाली पर कारोबारियों की इस खास दिवाली बनने वाली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिग ब्लिस से उनके परचेस मैनेजर विनीत हमारे साथ मौजूद है। उनसे बाजारों के हाल पर बात कर लेते हैं। विनीत जी, स्वागत आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद अखिलेश जी। नमस्कार मार्केट टाइम्स टीवी के दर्शकों को, मेरा बिग ब्लिस की तरफ से नमस्कार। विनीत जी, जिस हिसाब से कोरोना महामारी ने कारोबारियों और लोगों की नौकरियों पर बुरा असर डाला, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या दिवाली पर बाजार में और तेजी की उम्मीद रहेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना के बावजूद कम्युनिटी के मार्केट में लगातार तेजी जारी है। अखिलेश जी, निश्चित तौर पर हमने कोरोना की बड़ी मार को कारोबार पर देखा है जी। डिमांड में भी कमी आई थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना लॉकडाउन देश से बाहर आ रहा है और कारोबारी गतिविधियां फिर से बढ़ने लगी हैं, स्टार्टअप भी आए हैं काफी सारे, इन सबको देखते हुए यही लगता है कि हम बाजारों में जो तेजी और दिवाली तक बढ़ सकती है, कमोडिटी बाजार में जरूर तेजी बनती नजर आएगी, चाहे मसाले हो, खाने का तेल हो, दालें हो, चीनी हो या फिर ड्राई फ्रूट्स हो और स्नैक्स हो, इस बार सब में तेजी की उम्मीद है जी। विनीत, दिवाली आने में बस अब कुछ ही समय बाकी है, सबको दिवाली का बेसब्री से इंतजार है, आपको क्या लगता है खाद्य तेलों के दाम जिस तरह से उबाल मार रहे हैं, क्या खाने के तेलों में भी और तेजी की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि हम सरसों तेल को पहले से ही 200 के पार जाता हुआ देख चुके हैं, और क्या बिग ब्लिस सस्ते दामों पर खाने के तेल ऑफर करता है? देखिए, बिग ब्लिस तो सभी एग्री कमोडिटी की खरीद कर रही है, क्योंकि हमें तो एंड यूजर को माल बेचना है और दिलवाना है जी। बिग ब्लिस जरूरत के हिसाब से इन कमोडिटी की खरीद करती है। केवल तेल ही नहीं, हम ड्राई फ्रूट्स, मसाले, दालें और जो भी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, बिग ब्लिस इनकी खरीद कर रहा है। और जहां तक बात रही खाने के तेलों में तेजी की, तो दिवाली तक खाने के तेलों में तेजी बनी रहेगी, खास करके सरसों तेल में, क्योंकि इस बार सरसों दाने का स्टॉक भारत में कम रह गया है और नई फसल आने में समय है और डिमांड ज्यादा है, तो सरसों तेल में तेजी बन सकती है जी। यहीं से विनीत जी, बात करें अगर चीनी और दालों की, तो क्या चीनी और दालों की कीमतों में भी तेजी आएगी? अखिलेश जी, चीनी और दालों की कीमतों में अभी भी तेजी देखने को मिल रही है, जो कि दिवाली तक और बढ़ने की उम्मीद है। चीनी का इस्तेमाल दिवाली पर मिठाइयों और अन्य पदार्थों में किया जाता है, और दालें में चने का बेसन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस दिवाली में इसकी डिमांड हर साल बढ़ जाती है, और कीमतों में भी जी। तो यानी कि इस दिवाली चाहे खाद्य तेल हो, दालें हो या चीनी हो, सबकी कीमतें और डिमांड बढ़ने ही वाली हैं। विनीत, ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स की मार्केट में कैसी डिमांड है, क्या बिग ब्लिस दिवाली पर इन पर अच्छे ऑफर्स दे रही है? अखिलेश जी, देखिए, ड्राई फ्रूट्स का बाजार तेजी है, और ड्राई फ्रूट्स का बाजार तब से ज़्यादा तेज हुआ है जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान भारत को बड़े पैमाने पर ड्राई फ्रूट्स निर्यात करता है, या फिर दूसरा दिवाली पर इसकी मांग ज़्यादा रहती है, तब तक दूसरे को दिवाली पर ड्राई फ्रूट्स देते हैं लोग, और साथ में स्नैक्स भी तो देते हैं, तो दोनों की डिमांड काफ़ी अच्छी है, और बिग ब्लिस भी कारोबारियों के दिवाली पर उनकी सेल बढ़ाने में काफ़ी मदद भी कर रही है जी। विनीत, आज हमारे साथ कुछ नए दर्शक भी जुड़े हुए हैं इस वक्त, जो बिग ब्लिस के बारे में जानना चाहेंगे। बिग ब्लिस के बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर ज्यादातर कारोबारी हैं, कम्युनिटीज में ट्रेड करने वाले ही लोग हैं। देखिए, बिग ब्लिस कमोडिटी में B2B और B2C का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जो दुनिया का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी कारोबारी अपना सामान बेचने के लिए लगा सकता है, और उसके लिए ग्राहक ढूंढने की कोशिश हमारी है, और डायरेक्ट एंड यूजर को, कारोबारी को हम इंडस्ट्रीज की नहीं करते बल्कि सामान बिकवाते भी हैं। और बिग ब्लिस का मेन कंसेप्ट यह है हमारा कि हम अपने वेंडर को
उन पे रजिस्ट्रेशन करवा के उनके ज्यादा से ज्यादा माल निकलवाने का कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि बिग ब्लिस के द्वारा जो किसान हो या फिर जो भी उद्योगकर्ता हो वो अपना सामान नहीं बेच पा रहे हो तो हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सामान उनका बिकवाने का कोशिश करते हैं। जी विनीत, जैसे कि आपने बखूबी बताया कि बिग ब्लिस ग्राहक ढूंढ के देता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य होता है किसी की सेल बढ़ाने में। अगर ग्राहक नहीं रहेगा तो सेल नहीं बढ़ेगी, और बिग ब्लिस ये काम बहुत बखूबी भी कर रहा है। अखिलेश जी, मैं यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। बिग ब्लिस पे किसी भी तरीके का कारोबारी जुड़ सकते हैं, चाहे वो कपड़े की कारोबारी हो, चाहे वो चीनी खाद्य तेलों के कारोबारी हो, या फिर एक रेडी वाला ही क्यों ना हो, हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है अपनी एक। हमारा मेन कंसेप्ट ये है कि हम हर किसी को एक ब्रांड प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी चीजों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं एक उनके ब्रांड के नाम से। तो हमारा एक ये छोटा सा मेन कंसेप्ट ये है लोगों की ऊपर लाने की। जी विनीत जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि बिग ब्लिस से, माई बिग ब्लिस से कोई भी कारोबारी जुड़ सकता है, चाहे वो एक रेडी वाला क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक रेडी वाला हूँ और मैं अब आम बेचता हूँ, तो मैं कैसे माई बिग ब्लिस ऐप से जुड़ सकता हूँ और अपनी सेल बढ़ा सकता हूँ? जी इस विषय में बस इतना कहना चाहूँगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारा माई बिग ब्लिस ऐप है जो आप डाउनलोड करें। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस पर आप लाइव करें हमारे एप्लीकेशन पे, उसके बाद हम आपकी मार्केटिंग, आपके कस्टमर लाने की जिम्मेवारी हमारी है। हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके प्रोडक्ट को पहुँचाएँ, आपकी लोग रीच को बढ़ाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन है आपके स्टोर तक विजिट कर पाएं। जी विनीत जी, एक अहम सवाल, डिलीवरी कौन कराएगा, डिलीवरी किसकी होगी? ये डिलीवरी का ना ही कस्टमर को देना है डिलीवरी के लिए, ना ही वेंडर को देना है, डिलीवरी बिग ब्लिस के तरफ से होगी और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जी हाँ, हम जैसा कि अगर कस्टमर कोई भी वेंडर हो अपनी चीजें अगर 50 की चीज 50 में ही डिलीवर करना चाहता है तो वो 50 में ही इंड यूजर तक जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें हमारा डिलीवरी चार्ज एड ऑन होगा, हम डिलीवरी अपने तरफ से दे रहे हैं और वो भी बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। जी विनीत, जैसे कि आपने अभी बखूबी बताया कि माई बिग ब्लिस ऐप से कोई भी व्यापारी जुड़ सकता है, क्या अगर कोई व्यापारी, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, सतर्कता बरतने के लिए, सावधानी बरतने के लिए अपने घर से ही कारोबार करना चाहे, क्या ऐसा संभव है या फिर उसको कोई कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी? जी नहीं, बिग ब्लिस पे किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है। बस करना यह है कि हमारे एप्लीकेशन पे वो अपना कारोबार को रजिस्टर करें और जो भी प्रोडक्ट, जो पहले मैं पहले ही बताया कि अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से उस पे लाइव करें, एक एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, MRP, प्रोडक्ट नेम, ताकि यूजर जो भी देखे उनको पता लग सके कि आप क्या बेच रहे हो, कैसा बेच रहे हो, उनकी क्वालिटी क्या है, उसी के हिसाब से यूजर आपके शॉप पे आएंगे। अगर आप वहां पे मेंटेन ही नहीं करोगे अपने शॉप को, उसकी MRP क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है यूजर को चीजें खरीदने में। तो यानी कि आपको माई बिग ब्लिस ऐप डाउनलोड करनी है और उस पर अपना एक स्टोर बनाना है, चाहे आप दाल बेचते हो, चीनी बेचते हो, स्नैक्स यानी कि फाइनल प्रोसेस्ड फूड बेचते हो, मिठाई बेचते हो, या फिर फल और सब्जियां, आपको बस माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड करना है और जो भी आप बेचते हैं उसको अपने स्टोर पर लगाना है, यानी कि दिखाना है कि आप क्या कम्युनिटी बेचते हैं, और जब उसका ऑर्डर आए तो आपको वही सेम चीज कस्टमर को देनी है। यानी अगर आपका कोई ब्रांड है तेल, चीनी, दाल, सब्जी, घी, मसाले और दूसरे किसी FMCG प्रोडक्ट में डील भी करते हैं, तो माई बिग ब्लिस ऐप को आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और विनीत जी को भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी बिक्री बढ़ती है तो मार्केट टाइम्स टीवी को इसमें काफी खुशी होगी। नंबर और डिटेल आपके स्क्रीन पर है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी, हम मार्केट टाइम्स टीवी को अपना समय देने के लिए और बिग ब्लिस के बारे में बताने के लिए। अगर आप भी अपनी वर्चुअल दुकान चलाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप। माई बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान।